Hello guys, I'm Monica Agnihotri from IISc Overseas. How are you? I'm back here today with one of the important tips of IELTS speaking cue card. जैसे कि आपको पता है guys, ये speaking का बहुत important portion है and most of the students जो हैं, वो इसमें lose हो जाता है उनका band. Reason being that they are not able to cook themselves for the allotted time. As everybody knows, कि जो हमारे cue card का time है, this is around 1.5 minutes to around 2 minutes. तो जो बच्चे हैं वो इतना लंबा स्ट्रेच दे नहीं पाते हैं. रीजन क्या होता है कि एक क्लू क्रैक करेंगे, दूसरा करेंगे, मे बी थर्ड पे फंस जाए, मे बी फोर्थ को वो हैंडल ना कर पाए. सो जो टिप मैं आपको देने जा रही हूँ आज, इससे आपको कार्ड को इलोंगेट करने में बहुत हेल्प मिलेगी और सेकेंडली आप जितना लेंथ तक उसको पुल करना चाहे, यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ. बट जस्ट रिमेम्बर कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, लाइक करें और शेयर करें ताकि रेस्ट ऑफ दी वीडियोस जो आती हैं आपके लिए आप अपडेट हो और आपके जो नोन में हैं जो आइल्स को लेना चाहते हैं उनके लिए इसमें बहुत हेल्प मिले. सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड गाइस. आई होप एवरीबॉडी कैन रीड. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. इट सेज टॉक अबाउट अ सिचुएशन व्हेन यू वर सरप्राइज टू मीट योर ओल्ड फ्रेंड और योर ओल्ड क्लासमेट. ये हमारा वन ऑफ द हॉट कार्ड्स है जो आपकी आइल्स में फाइल होता है. क्लूज किस तरह से आएंगे, व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाई वर यू सरप्राइज्ड, How did you spend time with him? How both of you felt about the same? अब यहां तक तो हमें समझ आ गया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें प्रॉब्लम आता है कि हम एक मिनट के अंदर अपने क्लूज को कैसे रेडी करें. सो दिस सजेशन व्हाट आई एम गिविंग इज कि सबसे पहले आप हमेशा जो क्लूज पकड़ सकते हैं उनको आप फटाफट राउंड ऑफ करें जो आपको एक मिनट दिया जाएगा वहां पे. लाइक यू कैन सी कि मैंने किस तरह से क्लूज को राउंड ऑफ करा है. आप देख रहे हैं कि मैंने स्पेशली हेल्पिंग वर्ब्स को मार्क करा है. ये इसलिए जरूरी है कि बिफोर यू स्टार्ट योर कार्ड आपको पता हो कि आपने जो अपना कार्ड है वो पास्ट टेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करना है, जिससे आपकी कभी भी कार्ड में गलती नहीं होगी. और हमारे आई स्पीकिंग के लिए सबसे सेफ हमारे पास स्टेप क्या होता है कि अगर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करके चले या हम लोग पैसिव वॉइस की मोर ऑफ द यूजेज करें अपने कार्ड के अंदर, जिससे कि हमें भूलता नहीं है कि हमने किस टेंस का इस्तेमाल करना है. Which is, I think, a basic problem with the people whom we are training in IELTS. So I hope guys, पहला step clear हो गया कि card की important cracking कैसे करनी है हमने, हमने किस तरह से marking करनी है अपने card की. अब हमने क्या करना है, second step है enter करने से पहले कि हम tense कौन सा है उसको लेके enter करेंगे, जो basic problem हमारी speaking को लेके आती है. Now with this situation, अब आपसे पूछा गया old classmate, जैसे कि आप plus two वाले हैं या graduates हैं, आप या तो अपने दोस्तों से रोज मिलते हैं या आप उनसे कुछ टाइम पहले मिल चुके हैं, लाइक प्री कोविड अगर आपने क्लासेस खत्म करी हैं, तो आप उस सिचुएशन को अपने दिमाग में रखिएगा और कोशिश कीजिएगा एक लाइव रिस्पांस को दिमाग में रखने की. फॉर एग्जांपल, द पर्सन हुम यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट शुड बी अ रियल वन. रीजन क्या होगा कि अगर आप किसी एक्स वाई जेड की बात करेंगे तो उसके ऊपर बोलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. बट वेन यू हैव अ फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, बिलीव मी, इट बिकम सो इजी टू स्पीक ऑन द कार्ड. रीजन भी कि उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सारा आपके सामने चलेगा और आप बहुत इजीली अपने आप को उसके साथ इंटेग्रेट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल, आई बी टॉकिंग ऑफ अ ओल्ड क्लासमेट. जैसे मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरे क्लासमेट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मुझे जिनके नाम मुझे अभी भी याद है. लाइक वन ऑफ देम वाज रितिका शर्मा. अब ये मुझे एकदम से क्यों पॉप अप हो गया, क्योंकि मैं इसके साथ इन टच में हूँ, या सपना गुप्ता, जिनके साथ मेरी बातें चलती रहती हैं. तो अगर हम उसको लेके चले तो एक फिगर मेरे दिमाग में आ गया कि रितिका इज द पर्सन हुम आई एम गोइंग टू टॉक. अब जैसे रितिका मेरे दिमाग में आई, इमीडिएटली मुझे उसका पर्सनैलिटी दिमाग में आ गया, उसके साथ मेरा रिलेशन दिमाग में आ गया, किस तरह से हम मौज मस्ती करते थे क्लासेस में या कॉलेज के अंदर, वो चीज याद में आ गई. इससे क्या बेनिफिट होगा कि बोलना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा. नाउ मूविंग टू दिस सिचुएशन, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या सिचुएशन थी. अब क्योंकि हम उसको सरप्राइज हुए हैं, अब सरप्राइज हम कब होते हैं गाइस, पहले ये सोचिए. अब कार चलाने के लिए इम्पोर्टेंट क्लू क्या है कि आप सरप्राइज कब हुए थे. सो योर मेन क्वेश्चन इज ऑन गेटिंग सरप्राइज्ड. कब सरप्राइज हो सकते हैं आप, किसी मार्केट में मिले होंगे, किसी मैरिज फंक्शन पे मिले होंगे, या किसी इवेंट पे मिले होंगे, किसी म्यूचुअल फंड के घर पे मिले होंगे, या किसी ना किसी ऑर्गेनाइज किसी इवेंट पे मिले होंगे आप, जहां पे या ओकेजन पे मिले होंगे. सो देखिए कितनी सिचुएशंस हैं जो आपके दिमाग में आ गई. आई रिपीट, मैरिज हो सकता है, इवेंट हो सकता है, ओकेजन हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकता है, कोई पर्सनल पार्टी हो सकता है, कोई म्यूचुअल इवेंट हो सकता है जहां पे आप इनको मिले होंगे.
अब आपका स्टार्टर मिल गया आपको, आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे इसको? हमेशा क्वेश्चन की हेल्प लेते हैं अगर आपके पास इंट्रोडक्शन नहीं है तो. सो दिस सिचुएशन वेयर आई मेट वन ऑफ माय ओल्ड क्लासमेट्स हु इज रितिका शर्मा वाज लास्ट वीक ऑन वन ऑफ माय फ्रेंड्स मैरिज वेयर आई हैड गॉन एंड वेयर आई हैड अ चांस टू मीट विद हर. देखिए स्टार्टर हो गया ना. अब यहां से हमने क्या है, अपने कार्ड को शुरू कर लेना है. हमने देखा कि हमने पहले कार्ड को जब छोड़ा, पहली लाइन को छोड़ा, तो हमने अगला लिंक साथ में उठा लिया. लिंक जरूर रखिएगा अपनी आइल्स की स्पीकिंग में. आई राइट दिस वर्ड स्पेशली बिकॉज कनेक्शन देना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे से आगे अपने फ्लो को बिल्डअप कर सकें. सो द सिचुएशन वॉज आई मेट हर एट अ मैरिज फंक्शन या आई मेट हर एट अ मैरिज पार्टी. सो सिचुएशन अब मैं दोबारा कैसे रिपीट करूंगी, या इट वॉज लास्ट फ्राइडे व्हेन आई मेट दिस फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई वॉज सिंपली सरप्राइज्ड. अब सरप्राइज वर्ड को साथ में जोड़ा जा रहा है. I was simply surprised. I was amazed. I was on my toes. I jumped out of happiness. देखिए कितने छोटे छोटे से वर्ड्स हैं जो आप इस सरप्राइज के साथ एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका कार्ड जो है वो वोकैबुलरी या जो लेक्सिकल रिसोर्स हम लेके चलते हैं उसके ऊपर भी आपकी बैंड जो है आपको मिल सके. सो आई वॉज अमेज्ड. आई वॉज ऑन माई टोज. आई जम्प्ड आउट ऑफ हैप्पीनेस टू सी वन ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स. इनिशियली मुझे ऐसा लगा लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फर्दर. इनिशियली आई फेल्ट कि दैट फिगर वाज स्लाइटली रिकॉग्नाइजेबल टू मी एंड व्हेन आई वेंट क्लोज टू हर आई वाज जस्ट ऑन माय टोस टू सी दैट इट वाज रितिका शर्मा वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेड स्टडीज. अब देखिए आपने अभी मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन कवर करे हैं और हमारी सिचुएशन जो है वो कितनी हाथ में आनी शुरू हो गई है. आप नर्वस भी नहीं हो रहे हैं, आपका लेक्सिकल रिसोर्स भी लग गया है और आपका कार्ड जो है वो आगे चलना शुरू हो गया है. यहाँ पे डर अब स्पेंडिंग टाइम है. जस्ट बिकॉज वी ऑलरेडी वर एट अ मैरिज फंक्शन तो आप खुद सोचिएगा कि स्पेंडिंग टाइम को डिस्क्राइब करना मेरे लिए कितना इजी हो जाना है. अब हम मैरिज पे क्या क्या कर सकते हैं, ईटेबल साथ में एंजॉय कर सकते हैं, गॉसिपिंग कर सकते हैं, वो अपनी फैमिली से मुझे मिलवा सकती है, मैं उसको मिलवा सकती हूँ, फ्रेंड आपस में फैमिलीज का इंटरेक्शन हो सकता है, उसके बाद हम वी कैन बी ऑन द डांस फ्लोर और उसके बाद हम सेरेमनीज को अटेंड कर सकते हैं. सो सी एक स्पेंड टाइम के साथ मेरे पास ऑलमोस्ट 5 से 6 सेंटेंसेस आ गए हैं जिनको मैं आगे फॉर्मुलेट कर सकती हूँ. सो गेटिंग बैक टू द जॉब, अब वहीं से उठा रहे हैं उस लाइन को. आई वॉज सरप्राइज टू सी हर एज अ फिगर वॉज क्वाइट रिकग्नाइजेबल सो आई थॉट शी कुड बी माई फ्रेंड रितिका एंड व्हेन आई वेंट क्लोज टू हर आई वॉज वेरी अमेज्ड. आई कुडंट होल्ड माई हैप्पीनेस बिकॉज शी वॉज रितिका एंड शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई पोस्ट ग्रेड स्टडीज एंड सिंस वी वर मीटिंग ऑलमोस्ट आफ्टर स्पैन ऑफ 10 years. So there was lot we wanted to discuss with each other. There were those memories we wanted to share. There were those important things we wanted to discuss. And in fact, some of the mutual friends whom we wanted to discuss, we wanted to discuss about their careers, about the people who were no more with us but were parted away from with us. So this is the thing what we can do for our spending time. Base mil gaya isko, ab spend time shuru kar rahe hain. So first of all, we started eating the food together as it was a marriage function. So we wanted to spend time with each other. Therefore, we started from the catering services. We enjoyed the meals over there. In the meanwhile, we kept on gossiping with each other. And believe me, during that time, I was not even aware who was near me. Such was the engrossing with her that we both of us forgot of our immediate environment. After this, we thought of introducing our families to each other. She introduced her family to me and I introduced my family to her. And since our children were also are also of the same age, so they also developed a great interaction with all of them. इसके बाद इतना बोल के अब finally हमारे अभी आपने देखा कि हमारे पास कितना है जो चलना शुरू हो गया है. Still we have lot of time with us. Now the final question and how both of you felt about this thing. So after spending almost about 3 to 4 hours together at the marriage function, where we discussed about the things, where we got lost in the old memories. And in fact, the most trivial portion was discussing what we had lost also, the intimacy of ours, the close connections of ours. But after that, what I felt, I talked from my side, as I felt so relieved, I felt so relaxed, because I was meeting one of my old friends, and that friend, jinko main bahut miss karti thi, aur due to some personal conflicts, हमारा आपस में कनेक्शन टूट गया था. बट ऑल थैंक्स टू दिस मैरिज फंक्शन कि मुझे मेरा वो ओल्ड फ्रेंड वापस मिला एंड आई कुड क्लियर ऑल द थिंग्स. हमारी क्लैरिफिकेशन हुई एंड आई फेल्ट सो रिलीव सो रिलैक्स. मुझे ऐसा लगा कि आई गॉट माय सोल बैक बिकॉज शी वाज रियली वन ऑफ माय सोलमेट्स व्हेन आई वाज स्टडिंग इन माय पोस्ट ग्रेड स्टडीज. एंड उसका भी यही रिवर्ड था. व्हेन आई कॉल्ड हर द नेक्स्ट डे इवन शी हैड द सेम वर्ड्स व्हाट आई हैव विद हिम दैट शी आल्सो एंजॉयड द इंटरेक्शन
बहुत अच्छा लगा उसको एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि हमारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए थे, जिसकी वजह से ये मीटिंग जो थी नॉट ओनली टर्न आउट टू बी अ ग्रेट सरप्राइज बट इट वॉज इनफैक्ट ग्रेटली बेनिफिशियल टू अस। सो गाइस आपने देखा कि कितना ईजी है सिचुएशनल स्पीकिंग को हैंडल करना, इसे वरी मत कीजिएगा, सिर्फ क्लूज पे वर्क कीजिए, टेंसेस पे वर्क कीजिए, लेक्सिकल रिसोर्स पे वर्क कीजिए एंड सी हाउ मेनी बैंड यू कैन गेट इन योर आईएलटीएस पेपर। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, वेट फॉर माय सेकंड वीडियो, थैंक यू सो मच।